तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज करनाल में इनेलो पार्टी की तरफ से एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है, जिसमें इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला और साथ ही साथ इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा पहुंचे हैं। ये कार्यकर्ता मीटिंग राजपूत धर्मशाला में रखी गई है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं और विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तमाम कार्यकर्ता अलग अलग गांवों से अभय सिंह चौटाला और रामपाल माजरा को सुनने के लिए पहुंचे हैं और ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इनेलो पार्टी की क्या रणनीति रहती है। 70 बार का दिया था और 40 बार नहीं कर पाई थी कांग्रेस, जो 70 बार का दे रही है ये 30 बार नहीं करेगी, 30 से कम सीटों पर रह जाए। भूपेंद्र सिंह जी एक सीधा कार्ड है, एक के घटके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसके बेटे ने 10-10, 15-15 लोगों को टिकट ब्याज रख करके कह रखा है कि हम आपको टिकट देंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहता था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसका पार्टनर बने। ये बारी बारी कांग्रेस के लोगों पे जाकर के इस बात के लिए दबाव डालता था और ये कहता था कि 10 की 10 सीट हम अपने बलबूते पे जीत लेंगे। भाजपा भी कहती थी 10 के 10 जीत लेंगे। अगर आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा होते तो फिर ये मान के चलो आज 10 की 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के हरियाणा में होती, ना कि 5 पे रुकना। सर, लोकसभा का चुनाव भले ही फेवर में ना आया हो, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी जुटे हुए हैं और आगे भी प्रयास कर रहे हैं। जो चुनाव था लोकसभा का, उस चुनाव में कोई कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं कर सकते। लोग भाजपा को तो हर हालत में सत्ता से बाहर करना चाहते थे, लेकिन लोगों का एक मन था कि भाजपा को देश से अगर सत्ता से बाहर कोई आज करेगा तो वो इंडिया का जो गठबंधन बनाए वो करेगा। कांग्रेस उसका हिस्सा थी, लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है और उस गठबंधन का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देती थी वो 241 सीट पे सिमट गई। और कम हो सकती थी ये सीटें, लेकिन कांग्रेस ने कुछ रीजनल पार्टियों को कमजोर करने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने दिया। उसी का नतीजा आज कांग्रेसियों को इस बात का बहुत मलाल है, आज बहुत तकलीफ है कि अगर हम 3-4 पार्टियों को और इसमें शामिल कर लेते हैं तो आज भाजपा सत्ता से बाहर होती, कांग्रेस सत्ता पे काबिज हो जाती, इंडिया गठबंधन काबिज हो जाती। विधानसभा के चुनाव के लोकसभा के चुनाव के नतीजे में बड़ा अंतर होता है। आप देखना विधानसभा का जब चुनाव आएगा लोग चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को इस स्थिति में जाकर के खड़ा करेंगे कि बिना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बिना सरकार नहीं। विधानसभा चुनावों में किस तरीके से देखते हैं, क्या अकेले लड़ेंगे, क्या जेजेपी भी साथ? हमारे साथ ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं हरियाणा में, ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन भी हैं जो राजनीति के अंदर भी अपनी रुचि रखते हैं, हमारी उनसे बात चल रही है। इसकी जिम्मेवारी हमने माजरा साहब से लगा रखी है, पार्टी के और 2-3 सीनियर साथी उनकी लगा रखी है, यहाँ पर उनसे बातचीत हुई, ये लगातार संपर्क कर रहे हैं। समय आने पर हम उन सब साथियों को साथ लेकर के एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों में पैसे देंगे कि हम सब मिलकर के भाजपा को कांग्रेस को दोनों को सत्ता से बाहर करें। कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है इस बार, कांग्रेस 70 पार का नारा दे रही है। बीजेपी ने 75 पार का दिया था और 40 पार नहीं कर पाई थी, कांग्रेस जो 70 पार का दे रही है ये 30 पार नहीं करेगी, 30 से कम सीटों पर रह जाए। भूपेंद्र सिंह जी एक सीधा कार्ड है, एक के घटके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उसके बेटे ने
दस दस पंद्रह पंद्रह लोगों को पीठ पे हाथ रख करके कह रखा है कि हम आपको टिकट देंगे। किसी भी पार्टी की 15 टिकट एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो सकती, टिकट एक को दी जाती है। ये लोग आपस में लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा विरोध होगा। आप देख रहे 20 जून को राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, अल्पमत में जो सरकार है फ्लोर टेस्ट को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये राज्यपाल से जाकर के मिलने की बजाय विधानसभा के सेशन की मांग क्यों नहीं करता हुड्डा? उसको कहना चाहिए सेशन बुलाओ और फ्लोर ऑफ द टेस्ट करो। हुड्डा मिला हुआ है भाजपा के साथ, अगर मिला हुआ ना होता तो फिर आज भाजपा की 5 सीटें नहीं आती। हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट था खुद ही रहता, आप में से कोई एक साथी बताओ कोई जानता है जाति तौर पर करनाल के से कोई वास्ता था? राजनीति गुहाणा का रहने वाला लड़का था, सोनीपत से लाकर के यहाँ उतारा था, बिल्कुल नया चेहरा था। लोग भाजपा को हराना चाहते थे इसलिए उसको वोट मिला था। हुड्डा ने तो मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी मनोहर लाल, इस तरह का उम्मीदवार उतार के साफ तौर पर संदेश दे दिया था कि मनोहर लाल खट्टर जीतेगा। पहले आम चर्चा थी कि मनोहर लाल खट्टर हारेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नैतिक आधार पर सैनी का इस्तीफा मांग रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नैतिक आधार पर नायब सिंह सैनी का इस्तीफा मांग रहे हैं। हुड्डा को तो खुद को इस बात के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि वेरी गलत फैसले की वजह से 5 सीटें भाजपा को हरियाणा में ज्यादा मिली। ये हुड्डा की मेहरबानी है जो भाजपा 5 सीटों पर जीती है, एक पे भी नहीं जीती। परिवार साथ आ सकता है दुष्यंत चौटाला और बात करें हार को कैसे देखते हैं आप? विधानसभा चुनाव हार की आईएनएलडी ने कभी भी चुनाव जो जीता रात हार के लिए नहीं लड़ा। हमने लोगों की लड़ाई लड़ी और लोगों के साथ जहां कहीं भी किसी भी सरकार ने अन्याय किया हम उसके साथ खड़े रहे। हम पीछे विधानसभा के जितने भी सेशन आप देख सकते हो कि टोटल सेशन जितने भी हुए उनमें केवल इंडियन नेशनल पार्टी थी जिसने अपोजिशन की भूमिका निभाई। आपको इस बात की बधाई हो कि वो कांग्रेस के और इंडिया के और आम पार्टी के उम्मीदवार थे जिनको आपकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा, परंतु हमें इस बात के लिए नहीं कोई हारे कोई जीते थे। हमारी पार्टी शुरू से ही मजबूत रही है। जो लोग हमें ये कहते हैं, हमें भी कहते थे कि तुम तो सुशील गुप्ता को हराने के लिए आए हो, परंतु साथियों हमने चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 1970 में सरकार बनाई, 87 में सरकार बनाई, 89 में इस देश की सरकार बनाई और इसी प्रकार से 1999 में सरकार चौधरी बंसीलाल की गिराई और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चीफ मिनिस्टर बनाया और 2000 में फिर सरकार बनाई और उसके बाद 2014 में भी हमारे 32 MLA जीत के गए थे। वो लोग बात करते हैं जिनका यहाँ पे आज तक कोई लेना देना आम पार्टी का है नहीं। संगठन बनाना है, इस पे आप भी जुटें, आप भी ऐसे साथियों को लाएं, अभय सिंह चौटाला जी को मिलाएं और इसको मजबूत करने का काम करें। अगर हमने एक तीसरी ताकत हरियाणा प्रदेश में ऐसी खड़ी कर ली और तो और ताकत इंडियन नेशनल लोक दल की बढ़ेगी, क्योंकि उनमें हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, उसके कर्ता धर्ता भी हम ही होंगे। मैं विशेष तौर से आप सब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए कि आप हरियाणा प्रदेश के असली वारिस हैं, ना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे ही देखते देखते रेलवे स्टेशन बेचे हैं, हवाई अड्डे बेचे हैं, बीमा कंपनियां बेची हैं और कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से हमारे 10 वर्ष में किसानों की जमीनें लूट करके बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले की है। इंट्रोड्यूस किया गया और उसके ऊपर लोकसभा में चर्चा हुआ। विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज होती थी उस वक्त, कांग्रेस की तरफ से इसमें चर्चा में भाग लेने वाला दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल। आपने वो बयान सुने होंगे जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुए थे। उसके उसने ये कहा था कि पर्टिकुलर एक बार की विदेश की बड़ी कंपनी का नाम लेकर
मैकडोनल्ड का उसने जिक्र किया था और कहा था कि हम मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों को अपने देश में लाएंगे और हरियाणा में उसको एक आलू का ऐसा उत्पादन करके देंगे जिस आलू का साइज 2 फुट का होगा। उस वक्त सुषमा स्वराज ने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि बेटा 2 फुट का आलू नहीं हुआ करता, लौकी हुआ करती है। और वो बिल इसलिए नहीं पास हो सका कि उस राज्य में रीजनल पार्टियों का बहुत बड़ा दखल था, उसमें लालू की पार्टी भी शामिल थी, मुलायम सिंह की शामिल थी, नीतीश भी शामिल था, उसमें तमिलनाडु की पार्टियां शामिल थी, आंध्र प्रदेश के लोग शामिल थे, अलग अलग स्टेटों के रीजनल पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट उसमें शामिल थे और उन सब ने यह कह दिया था कि अगर ऐसा कोई बिल आप लागू करोगे तो फिर हम आपका विरोध करेंगे, आपकी सरकार बेशक आज गिर जाए। मजबूर होकर के कांग्रेस को अपना ड्राफ्ट किया बिल जो है वापिस लेना पड़ा, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहता था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसका पार्टनर बने। ये बारी बारी कांग्रेस के लोगों पे जाकर के इस बात के लिए दबाव डालता था और ये कहता था कि 10 की 10 सीट हम अपने बलबूते पे जीत लेंगे। भाजपा भी कहती थी 10 की 10 जीत लेंगे। अगर आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा होते तो फिर ये मान के चलो आज 10 की 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के हरियाणा में होती, ना कि 5 पे रुकना पड़ता। अब तो प्रस्ताव आया इनको, आपने शैलजा का बयान सुना होगा। शैलजा कह रही थी कि हमारे से कुछ गलतियां हुई है, हम फैसला ठीक से नहीं ले पाए, फैसला ठीक ले लेते तो फिर हर हालत के अंदर 10 की 10 सीट जीत जाते। उसका इशारा भी आपकी तरफ था कि अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी होती तो 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हारती। 10 हारने का मतलब ये था इनकी 241 से 236 रह जाते और कम होने से बीजेपी अपनी मनमर्जी देश के ऊपर नहीं थोप सकती थी। लोकसभा चुनावों में इनेलो पार्टी भले ही अपना खाता ना खोल पाई हो लेकिन विधानसभा चुनावों को लेकर अभी भी आत्मविश्वास से भरी हुई है। ऐसे में अभय सिंह चौटाला करनाल पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनकी वजह से वो इंडी गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी 30 तक सिमट कर रह जाएगी। बहरहाल देखना ये होगा कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पर अलग अलग पार्टियों की क्या स्थिति रहती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग, धन्यवाद।